आज जो है मैं आ गई हूँ अपने छत के ऊपर, क्योंकि नीचे का जो अभी जो है मैं कमरे के अंदर आ चुकी हूँ। मैंने देखा है कुछ, मैंने कहा है कि कमरे के अंदर भी देख लूँ और थोड़ा सा जो है ना झाड़ू लगाते लगाते मेरा इरादा बदल चुका है। मैंने कहा है कि मैं का स्विच लगाते हैं, उसको चालू करते हैं, फिर जो है ना इस फर्श की पहले सबसे पहले जो है इन फर्श इसको भी खुल गया। देखा ये जो है ना, ये सफेद सफेद जो ऊपर दिखाई दे रही है ये खाने बनाने के लिए, और चूल्हे के ऊपर जो है आपको पतीला। अभी इधर जो है चाय भी रेडी हो चुकी है, देखें ये है हमारा अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, जो बे औलाद है अल्लाह पाक से नेक औलाद दें, जो बीमार हैं अल्लाह पाक से शिफा दें, जो रिज़्क रोज़ी की तंगी में अल्लाह पाक से हकीला रिज़्क कमाने की तौफीक दे और उसके रिज़्क में बरकत डाले, आमीन। तो इस नेक दुआ के साथ जो है हमारा सुबह सुबह का हो गया व्लॉग शुरू, क्योंकि सुबह की रूटीन होती है डेली की, वो आप लोग के साथ करते हैं शेयर, जाना कहीं नहीं रहना है हमारे साथ। और छोटी सी होती है मेरी रिक्वेस्ट, मेरे देखने वाले जो न्यू बहन भाई हैं मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो जो है वो फुल वॉच किया करें, और जितना भी हो सके बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और सब्सक्राइब करने से, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि जो सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लेंगे तो उन तक जो है मेरी न्यू वीडियो वो जल्दी से पहुँच जाएगी और आपको जो है वीडियो ढूंढने की परेशानी नहीं होगी, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्दी से पहुँच जाएगा और आप लोगों ने देख दिया मेरी न्यू वीडियो। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनका मैं तहे दिल से करती हूँ शुक्रिया अदा। तो आज जो है मैं आ गई हूँ अपनी छत के ऊपर, क्योंकि नीचे का जो है सहन बहुत छोटा है और पंखा चल रहा होता है, और काल की जो है ना बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि जहाँ भी देखो पंखे का शोर है, पंखे का शोर है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बस थोड़े से दिन रह गए हैं, आप लोगों ने दुआ करनी है कि जल्दी से ना ये मेरा घर ऊपर वाला जो है ये कम्प्लीट हो जाए और मैं आ जाऊँगी ऊपर वाले सहन में, पोशन में। तो यहाँ पर जो है ना कोई शोर वगैरह नहीं होगा, कोई अंधेरा नहीं होगा, अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ऐसे तो घर मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर जो है मैंने पर्दी वगैरह भी लगानी है, तो करीबी जो रिश्तेदार है वो सॉरी हमसाए हैं तो उनके यहाँ जो है ना अच्छी बात नहीं है, पर्दा जो है अपना ज़रूरी है, पर्दा हो जाए तो फिर सुकून से इंसान अपना कैमरा चला सकता है, इधर उधर घुमा सकता है, वीडियो बना सकता है, क्योंकि और भी घर है ना, एक अकेला हमारा घर नहीं है, तो सब घर में माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, एहतियात ज़रूरी होनी चाहिए, इसलिए मैं छत के ऊपर नहीं आती। और ऊपर से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी साथ आ जाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, कोई अल्लाह पाक ना करे कोई ऐसा नुकसान हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मुकम्मल तौर पे वीडियो आ जाएगी, वीडियो बनाऊंगी, ऊपर वाले माहौल दिखाऊंगी आपको, खुला सा ना कोई शोर ना शराबा। और चलते हैं अपने नीचे किचन की तरफ और सुबह सुबह का जो रूटीन होती है वो अपनी शेयर करते हैं। तो अभी जो है मैं कमरे के अंदर आ चुकी हूँ, मैंने देखा है कुछ, मैंने कहा है कि कमरे के अंदर भी देख लूँ और थोड़ा सा जो है ना रेस्ट भी कर लूँ, इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, दिल करता है कि इंसान इधर आके सो जाए, लेकिन क्या करें, अभी अभी नींद से उठी हूँ और नाश्ता जो है वो भी बनाना है बच्चों के लिए, अभी चलते हैं, सब लोग अभी सो रहे हैं। जो काम है घर का वो पहले कर लें, फिर सुकून से नींद कर लेंगे, और क्या काम है, सारा दिन बस यही काम है सोने का। गर्मियाँ इतनी हो गई हैं, कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा, किसी काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो बहुत परेशानी होती है, इतनी गर्मी इतनी गर्मी। और तबीयत जो वैसे भी मेरी ठीक नहीं रहती, ब्लड प्रेशर हर वक्त लो हो जाता है, अल्लाह पाक खैर करे। इधर ये देखे सब लोग सो रहे हैं,
कुछ दिन की छुट्टियां हैं, ये भी रेस्ट कर लें और हम भी सुकून से रेस्ट कर लें। जब दिल करता है नाश्ता बना लेते हैं, तो जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर तो टाइम से जागना, टाइम से उठना, टाइम से सोना और टाइम से जो है नाश्ता बनाना पड़ता है। अभी जो है चलते हैं अपने कमरे की तरफ और उधर की जो है सफाई पहले करते हैं। सो रहे हैं, ये रहा है मेरा झाड़ू, झाड़ू मैंने उठा लिया है। इस कमरे की जो है पहले सफाई करते हैं। ये देखिए मुकम्मल तौर पे ये साफ नहीं हुआ पड़ा, ये कचरा पड़ा है और इधर से जो है बर्तन सब बिखरे पड़े हैं। इसकी धुलाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और बर्तनों की धुलाई करके तो फिर जो है आगे का काम हमारा हो जाएगा शुरू। क्योंकि क्या काम होता है, चाय जो है हमारी वो ज़रूरी है, चाय के बगैर तो कुछ नहीं है। जब चाय ना मिले तो आंखें भी नहीं खुलती, ऐसा लगता है जब हमने कोई चीज़ खाई पी भी नहीं। क्योंकि शुरू से जिन जिन लोगों की आदत बन चुकी है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बचपन से जो है ना हम हमारे दादा दादी और उनके बाद आ गए अब्बू अम्मी और उनके बाद आ गए हम, क्योंकि ये शुरू से जो है हमारे दादा दादी ये यही उनकी रूटीन थी। सुबह के टाइम पे उन्होंने चाय बनानी, चाय के साथ नाश्ता हल्का फुल्का सा जो भी खाते थे खा लेते थे। उनके बाद उनके बच्चों की भी यही आदत बन गई, जैसे हमारे अम्मी अबू हो गए, फिर उनकी रूटीन भी ऐसे बनती गई। बस सुबह सुबह का टाइम जो है हमने चाय बनानी है, फिर बाद में जो है रोटी तो बना लेते हैं वैसे, लेकिन खाते जो है ना वो बहुत देर से खाते हैं। ये देखिए कल मैंने जो है कपड़े धुलाई किए और इस टोकरी में डाल के इधर रख दिया है तो सारे जो है ये नीचे गिर गए थे। ये देखिए ये भी ऊपर रख दिया है। फिलहाल तो अभी कोई जगह की जो है सेटअप नहीं हुआ है। मैंने कहा है कि एक साथ जो है ना जैसे काम हो रहा है ऐसे हो जाएगा तो सब चीज़ जो है ना एक साथ होती रहेगी। हम भी साथ साथ अपने घर की तैयारी करते रहेंगे, घर को सजाते रहेंगे, प्लास्टर मुकम्मल होगा, विंडो के ये देखे विंडोज जो है ना इसके कोई पर्दे वगैरह या कोई शीशे वगैरह वो लगवाने, दरवाजे लगवाने उनको कलर करना और अंदर की जो है ना वो फ्रेम वगैरह लगवानी थी कपड़ों वाली बर्तनों वाली तो वो भी अधूरे रह गई। आप इसका देखें ये जो बनवाए थे ना बार बार तो इनका ये जो कलर करवाना है, कलर पहले किया था वो तो ख़त्म हो गया, ये छीटे पड़ गए सारे। और इधर से ये देखें ऐसे तो कमरे की सफाई सजावट नहीं हो सकती ना, चारों तरफ जो है ना ये दीवारें ऐसी हुई पड़ी हैं। इसका मुकम्मल तौर पे फिर कलर हो जाएगा और यहाँ से जो है ना टूटी हुई है यहाँ पे प्लास्टर लगवाना है और इधर से ये भी टूटी हुई है यहाँ पर इसको उखाड़ के फिर इसको प्लास्टर लगवाना है। तो काम जो है बहुत सारा बिखरा पड़ा है, इसलिए ना कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करें। कोई चीज़ कोई तरतीब से हो तो फिर सफाई करें। बाहर जो है सारा रोड़ा वगैरह पड़ा है फर्श डालने के लिए, ईंटें पड़ी हैं पर्दे लगाने के लिए और मुंशी जो है वो कल का उन्होंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ लेकिन नहीं आया, आज पता नहीं है कि आता है कि नहीं आता। काम जो है बहुत सारा बिखरा पड़ा है और मट्टी वगैरह जो है वो भी डालनी है, फर्श नहीं डालता, चलो मट्टी वगैरह डाल के अपनी सफाई वगैरह कर लेंगे। और इन कमरों के अंदर जाना ये भी सफ़ेद जो सीमेंट है वो भी लगवा लेंगे, बाकी सामान जो बाहर पड़ा है वो भी
अपने कमरे के अंदर शिफ्ट कर देंगे और असलम खान का जो है वो प्लाट हो जाएगा खाली, तो उनकी जगह बनना हो जाएगी स्टार्ट। तो हमारी तो यहाँ तक रुक चुकी है क्योंकि हमारे पास जो है पैसे वगैरह ख़त्म हो चुके हैं और मुखलिस कहता है कि अभी जो है काम की होती है छुट्टी। तो इंशाल्लाह मज़ीद 4-5 मंथ जो है कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे अपनी ये यूट्यूब पे ऊपर, तो इंशाल्लाह कुछ रुपया रुपया जोड़ के फिर कुछ पैसे इकट्ठे कर लेंगे, फिर आगे का काम शुरू कर लेंगे। गुड, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। झाड़ू लगाते लगाते मेरा इरादा बदल चुका है, मैंने कहा है कि मैं आज ना इस कमरे के फर्श की धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन जो है चार पाई डाल के इधर बैठे रहते हैं, फिर टाइम नहीं लगता, फर्श जो है बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा है कि लाइट भी अभी खड़ी है, रुकी हुई है, और क्यों ना मोटर चला के इस फर्श को पहले धुलाई कर लूँ, फिर जब तक वो बाहर सो रहे हैं वो नींद से उठेंगे, चार पाइयाँ इधर डालेंगे तो ये भी सूख जाएगा। ये देखें मैंने पाइप वगैरह जो है खींच के ले आया है, ये मोटर का पाइप है, वो मेरा झाड़ू है, और अभी चलते हैं मोटर जो है बाहर, उनका स्विच लगाते हैं, उसको चालू करते हैं, फिर जो है ना इस फर्श की पहले सबसे पहले जो है इन फर्श की धुलाई कर लेती हूँ। इधर से वाल वगैरह जो है ये बंद हुआ पड़ा है, इसको भी खुल गया, और ये पड़ा है मोटर का स्विच, इधर से ये भी लगा देती हूँ। मोटर जो है अभी चल गई है और पानी जो है अंदर जा रहा है, तो जल्दी से ना झाड़ू लगाते हैं, वो देखें वो पानी है, पाइप भी पड़ा है, वो पानी भी बहुत सारा आ रहा है, और जल्दी से इनकी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि पोचा लगाने से ये मिट्टी वगैरह नहीं जाने वाली थी। पहले जो है ना पाइप चला के झाड़ू के साथ अच्छी तरह से इनकी सफाई कर लूँगी, तो फिर सुबह सुबह का टाइम जो है ना हल्का फुल्का सा झाड़ू लगा लेंगे, फिर साफ हो जाएगा जी। तो अभी जो है मैंने फर्श की धुलाई कर ली है अच्छी तरह से इनकी धुलाई जो है वो कर ली है झाड़ू के साथ, और जो मिट्टी वगैरह जो थी बहुत ज़्यादा वो तो साफ हो चुकी है, लेकिन काफ़ी दिनों से मेरा गला ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मैं बात भी नहीं कर सकती, और इतना दुखता है ना जैसे कोई मल्ला वगैरह हो। तो वैसे तो मिट्टी वगैरह जो ज़्यादा थी वो तो धुल चुकी है, लेकिन चमक जो है वो अभी तक नहीं आई, क्योंकि रोज़ जो है ना इसके ऊपर वो दूसरा बुरश लगाना पड़ेगा, पोचा जिसको बोलते हैं, तो उनसे ये मिट्टी वगैरह जो बिच मैक्स हो गई है तो वो निकल आएगी, साफ हो जाएगा फर्श। वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि मैंने कैसे धुलाई करना है और फिर इसकी धुलाई कैसे होनी है। ये देखें ये जो है ना ये सफ़ेद सफ़ेद जो ऊपर दिखाई दे रही है ये रगड़ने से ये जाएगी, लेकिन मैं झाड़ू के साथ जो है ना अच्छी तरह से इनको रगड़ा है, लेकिन फिर भी ये साफ नहीं हुई, तो इसकी फर्श की जो चमक है वो नहीं आ रही। तो अभी जो है ये ज़्यादा जो मिट्टी वगैरह रेती वगैरह चिपकी पड़ी थी वो मैंने धुलाई कर लिया है, फिर जो है ना इसके ऊपर वो दूसरा बुरश वाला पोचा लगेगा, फिर ये अच्छी तरह से इनकी सफाई हो जाएगी मुकम्मल तौर पे, जो है ये चमक जाएगा। और मैंने शहर भी जाना है, आज जाऊँ या कल जाऊँ, कोई छोटा मोटा सामान है वो भी लेना है, और पोचे वगैरह जो है वो भी लेना है सफाई के लिए, और वाशरूम का जो है ना उनका भी गेट लग चुका है, तो वाशरूम का कोई सामान वगैरह लेना है, उसके अंदर की जो सेटिंग बनानी है वो भी ले आऊँगी। तो देखते हैं मुखलिस अभी तो नींद में है, जब जागेगा उनसे पूछूंगी कि पैसे वगैरह आए तो मुझे दें, तो घर की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मैंने लेनी है, तो वो पैसे देगा तो फिर चले जाऊंगी लेने के लिए, नहीं होंगे वो जवाब देगा तो घर में बैठी रहूँगी। हाँ जी, और तो कैसे तो यही काम होता है ना, मर्द चाहे दे ना दे कुछ हो ना हो चुप करके घर में बैठ जाती हैं, जो चीज़ ज़रूरत की होती है कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती। तो हम जो है ना मर्दों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वो मर्द होते हैं वो जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, हम वो औरतें नहीं हैं कि आप खुद अपनी जगह पे मालिक हों, जो दिल में आए करे, जो ना करे, जहाँ जाए आए,
खरीदो फरोश जो चीज लेनी हो अपनी मर्जी से हम नहीं लेते, वो अपने हस्बैंड की रजामंदी से वो जो कहेगा हम वो ही करेंगे, वो ही लेंगे, जितना पैसे देगा उतनी खर्च करेंगे। ठीक है, अभी जो है मैं किचन के काम में जो है वो मसरूफ हो चुकी हूँ खाने बनाने के लिए। और चूल्हे के ऊपर जो है आपको पतीला नजर आ रहा होगा वो मैंने चढ़ा दिया है, चाय बन रही है और आटा जो है वो सवेरा गूंद रही है और आटा गूंद लेगी फिर मैं ना रोटी बनाऊंगी। रात जो है हमने सालन नहीं बनाया था क्योंकि कुछ घर में भी नहीं पड़ा था, गोश्त के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन गोश्त खाने को किसी का मूड भी नहीं था तो गोश्त मैंने बनाया नहीं है। सब्जी का, दाल का, चनों का कोई चीज़ का मूड नहीं था। सब लोग कह रहे थे कि हमें जो है ना कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, तो मैंने ना सालन भी कुछ भी नहीं बनाया और रोटी भी नहीं बनाई थी। और बच्चों की फरमाइश थी कि हमें ना बर्गर चाहिए और मौज़म अली को मैंने पैसे दिए, वो रात को ना बर्गर लेके आया था और बच्चों ने, बड़ों ने, सब लोगों ने खा के सुकून मारा, सो गए थे। अभी अभी जो है मैं चाय जो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, फिर रोटी बनाऊंगी। रोटी बनाने के बाद जो है ना मैं फिर बनाऊंगी लस्सी। लस्सी के साथ हम करेंगे नाश्ता, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्योंकि गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। और जो है ना चाय जो है हमने बंद कर दी है, 3 टाइम हमारी चाय बनती थी और अब बनती है 1 टाइम। सुबह के टाइम थोड़ी सी आधी आधी कप जो है वो पी लेते हैं और सारा दिन जो है सुकून से गुजर जाता है। और शाम के जो बनाते थे शाम के टाइम वो भी नहीं बनाते, और दूध वगैरह जो बचता था कुल्फा बना देते हैं, कुल्फा भी खा के बच्चे थक चुके हैं। वो कहते हैं मम्मा हमें कुल्फा अच्छा नहीं लगता, हमें ना जिस दूध की पहले हम चाय बनाते थे चाय के बाद हम कुल्फा बनाते थे उस दूध का, और उस दूध का जो है अब हम लस्सी बनाते हैं क्योंकि लस्सी जो है बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है और मैदे जो है बहुत हीट कर गए हैं, गर्म हो चुके हैं, गर्मी है और ऊपर से गोश्त वगैरह खाया बच्चों ने, बड़ों ने, तो सबके मैदे जो है ना हीट कर गए हैं। और मैं बनाती हूँ सुबह सुबह के टाइम लस्सी नाश्ते के साथ, और दोपहर को भी पीते हैं, सब सुबह भी पीते हैं ठंडी करके, बर्फ़ डाल के थोड़ा नमक डाल के, उसके साथ जिसका दिल करता है वो नाश्ता भी कर लेंगे और ऐसे भी पी लेंगे। ठीक हो गया, सालन वालन के बारे में अभी कुछ ही नहीं सोचा है कि कुछ बनाएं खाएं, मूड भी निकाल रहा बनाने को भी और खाने को भी, तो देखते हैं। अभी तो सो रहे हैं, मैं भी नाश्ता बना रही हूँ, जो मेरे काम है वो मैं कर लूँगी, वो उठ जाएंगे नींद से, मुखलिस सो रहा है, बच्चे सब सो रहे हैं, जब नींद से उठ जाएंगे कोई चीज़ कहेंगे तो फिर बना के दूँगी, नहीं तो ऐसे उनको नाश्ता खिला दूँगी। ठीक है, अभी इधर जो है चाय भी रेडी हो चुकी है, देखें थोड़ी सी मैंने बनाई है, ये देखिए थोड़ी सी चाय बनाई है, थोड़ी थोड़ी सी करके पी लेंगे। और जो है ये जो बड़ी सी बाल्टी रखी है ना, ये है हमारा अचार। अचार जो है मैंने कहीं से बनवाया है क्योंकि मैं बहुत मसरूफ थी, घर के वो काम हो रहा था, मिस्त्री लोग थे, सब लोग डालती हुई तो मैं भी हूँ, अचार डालना कौन सा मुश्किल बात है, ये बहुत आसान है, तो मुझे टाइम नहीं लगा था, मैं मसरूफ थी बहुत ज़्यादा। और मैंने ना कहीं से ये सामान वगैरह जो है ना सब कुछ ले कर दिया था उन लोगों को और उन्होंने खुद बनाया। जी अबू आ गए हो, हैं चा पापा, चौकी वो दूसरे कमरे में पड़ी है, आप ही सवेरा को कहो कि चौकी उठा कर दो, ठीक है, चल आप ही को कहो कि चौकी मुझे ले कर दो। और उन्होंने ना अचार वगैरह बना के उसको मुकम्मल तौर पे रेडी करके फिर मुझे कहा है कि आपका अचार जो है वो रेडी हो चुका है, ले जाएं, तो हम लेकर आए हैं मुकम्मल तौर पे, ये बन चुका है। आम क्योंकि छोटे थे और वो ना ज़्यादा गल चुका है तो इसलिए वो भी खा रहे हैं, किसी का दिल करता है तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, तो उनके साथ भी जो जिसका दिल करता है वो खा लेंगे, चाय के साथ, लस्सी के साथ, अचार के साथ, और प्याज भी पड़े हैं उनके साथ, जो चीज़ दिल में आएगा वो खा लेंगे। अभी नाश्ता तो बनाऊँ फिर देखेंगे कि क्या होता है।
तो हर रोज मैं इधर बैठती हूँ और ये साथ में मेरी अलमारी है, अलमारी में ये बड़ी सी बाल्टी पड़ी होगी, तो तमाम देखने वाले बहन भाई यही कहेंगे कि ये घी की बाल्टी है, घी की बाल्टी नहीं है, ये अचार की बाल्टी है। जी बेटा चौकी दूँ, चलो देती हूँ आपको।